तो दोस्तों आज जो है बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग फोन का जो फर्मवेयर होता है, जो फ्लैश फाइल होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यार आज जो है ना, दो तीन बंदे ऐसे मिले हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि भैया मुझे जो है सैमसंग का फ्लैश फाइल चाहिए, क्योंकि हमें कोई ऐसा वेबसाइट नहीं मिल रहा है जहाँ की हमें इस ब्रांडे का जो है फ्लैश फाइल मिल सके। सो दोस्तों यहाँ पे उनका कहना ये भी हुआ कि मान लीजिए कुछ ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे मिल तो जाता है लेकिन उस सेम ब्रांडे का फाइल नहीं मिल पाता है, या तो कुछ ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे कि मिल भी तो जाता है तो वहाँ पे जो है हमें पेमेंट करना होता है, यानी क्रेडिट जो है वो फाइल का हमें पे करना होता है। सो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट यही बताएंगे कि फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आप फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक बार में जो है दोस्तों, जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं वो सिर्फ एक बार में डाउनलोड करना है, और आपका जो सैमसंग का फोन है उसको आप आसानी से एक बार में फ्लैशिंग करके और कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि मान लीजिए हम ये फाइल ट्राई किए नहीं हुआ, फिर वो फाइल डाउनलोड किए ट्राई किए नहीं हुआ, या फिर बहुत सारा इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, खास करके सैमसंग का जो फोन होता है उसमें। शो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं आखिर उस वेबसाइट का नाम भी बताएंगे और उसको हमें कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सो आप वीडियो पे जो है लास्ट तक बने रहिए तभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप भी आप मिस कर देते हैं तो हो सकता है आपसे डाउनलोड ना हो पाए। या बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो एक्सपर्ट है, ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करते हैं या जानते हैं उस वेबसाइट के बारे में, तो उनके लिए तो कोई नहीं, लेकिन जो मेरे ऐसे भाई हैं जो नहीं जानते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सब्सक्राइब का जो एवरेज है वो डाउन है। सो दोस्तों चलिए यहाँ पे टाइम को ना गवाते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कभी भी अगर मेरे पास मान लीजिए सैमसंग का फोन आता है फ्लैशिंग के लिए, चाहे वो जैसे कि मेरे पास सैमसंग का फोन है और इसमें जो है लोगो का प्रॉब्लम है, सैमसंग पे आके रुक गया है, हार्ड रिसेट करने के बाद भी जो है दोस्तों उसी पे अटका हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, फ्लैशिंग करना होता है। उस दौरान में जो है हमें बहुत सारा परेशानियां होता है, जैसे कि और भी प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए सैमसंग का फोन होता है आया रीस्टार्ट प्रॉब्लम, तो कई बार जो है दोस्तों रीस्टार्ट का प्रॉब्लम बैटरी से भी हमें देखने को मिलता है, और कई बार जो है ज्यादातर हमें फ्लैशिंग से भी होता है और फ्लैशिंग से सॉल्व हो जाता है। सो दोस्तों इस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, आपको भी पता है कि रिकवरी में जाते हैं और वहां पे जो है सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, वो चेक ये करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए उसका जो है बैटरी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सैमसंग का है एक फोन है और उसका जो बैटरी है दोस्तों U4 है, तो फिलहाल जो है इस फोन का हम U4 का जो है ढूंढेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल चलिए हम एक ओल्ड फोन का ही ढूंढ लेते हैं, जैसे J2 Core हो गया या अदर भी बहुत सारा फोन होता है, फिलहाल तो आपको हमें समझाना है। हम एक सैमसंग का फोन है, अब मान लेते हैं जैसे कि J2 Core। अब J2 Core बोले तो J260F फोन का हमें फाइल डाउनलोड करना है। सो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम कभी भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं अपने PC पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सैमसंग J260F फ्लैश फाइल, ठीक है, कुछ इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारा वेबसाइट देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों बहुत सारा वेबसाइट है यहाँ पे। अब यहाँ मान लीजिए firmwarefile.com है या तो sammobile.com है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब firmware.com हो गया या अदरवाइज बहुत सारा इस तरह का फाइल होता है, वेबसाइट होता है जहाँ से हमें फाइल तो मिल जाता है बट सेम फाइल नहीं मिल पाता है, जो मेरा बैंडी होता है उस बैंडी का फाइल हमें मिल ही नहीं पाता है। अब आपको कहाँ पे मिलेगा पता है, मिल तो जाएगा दोस्तों तो इस वेबसाइट पे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सेकंड में जो आया है दोस्तों sammobile.com और sammobile.com, तो इस पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इस पे ये फ्री नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करना होता है। फ्री में डाउनलोड, यानी कुछ फाइल ऐसा होता है जो कि फ्री तो डाउनलोड हो जाता है लेकिन 99% जो है दोस्तों इस पे फ्री हमें मिल ही नहीं पाता है, इसके लिए हमें पेड करना होता है। दोस्तों फ्री हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो यहाँ पे जो है और भी बहुत सारा वेबसाइट है दोस्तों, एक तो नहीं है, बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे, ऐसा नहीं कहूंगा कि उस वेबसाइट पे नहीं मिल पाता है, मिलता है लेकिन सेम वेंडी का फाइल बहुत बार हमें नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको करना क्या होगा, जाना है गूगल पे और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको करना क्या है, टाइप कर देना है एस
AMFW देख सकते हैं दोस्तों। इससे पहले हम इसे डाउनलोड भी किए हैं, सेम फ्रेमवर्क samfw.com करके एक वेबसाइट है, उस पर हम आ चुके हैं। देख सकते हैं आपके सामने भी ओपन हो चुका है, थोड़ा सा जो है डिस्प्ले का साइज अल्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं samfw.com करके है। और यहाँ पे दोस्तों हमें अब करना क्या होगा, किस तरह से डाउनलोड करना होगा, तो जैसा कि हम इससे पहले आपको बता चुके हैं दोस्तों करना क्या है। तो यहाँ पे जो है ये सर्च का कुछ ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ पे जैसे कि हम इससे पहले बोले हैं Samsung J2, अब यहाँ पे आप कोर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम ये आप जानते हैं Samsung J2 कोर, या अगर नहीं हो रहा है तो Samsung J260F के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम दोस्तों J2 कोर अगर सर्च किए हैं तो आ चुका है नीचे, देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन, जो भी मॉडल आपका हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम Samsung J260 को सर्च कर लिए हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हो चुका है, तो हमें नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद जो है दोस्तों सबसे पहला काम जो होता है मेरा वो ये होता है कि यहाँ पे जो है हमें अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम इंडिया से हैं तो इंडिया हमें सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना होता है, वो है अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले इंडिया का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था, तो रीलोड करने के बाद जो है दोस्तों हमें इंडिया का ऑप्शन भी मिल चुका है। तो यहाँ पे जो है हम इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद जो है दोस्तों हमें नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कौन सा फाइल जो है वो डाउनलोड करना है, जो भी बैंडी का फाइल हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे जो है ये कुछ वैनरी रहा, 1 2 3 और भी मिलेगा वैसे। यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे भी है, तो फिलहाल यहाँ पे जो भी वैनरी होता है वो हमें मिल जाता है आसानी से, कोई इशू नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर अदर मॉडल का तो वो भी मिल जाएगा। और ऑल कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन फाइल वगैरह होता है जो कि हम FRP वगैरह करते हैं, तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। बट फिलहाल हमें फ्लैश फाइल चाहिए तो फ्लैश फाइल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे जो भी बैंडी होता है आपका वो मिल ही जाता है, या और भी बहुत सारा वेबसाइट है वहां पे भी मिल जाता है, बट यहाँ पे जो है आसानी से आपको मिल जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमें करना क्या है, S1 वाला जो है U1 का डाउनलोड करना है, तो U1 भी आप कर सकते हैं, या अदर जो भी मॉडल है जो भी बैंडी का फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इतना ही शो किया, बट और भी मिल सकता है कि यहाँ पे आपको कंडक्ट। फिलहाल जो है J260 का जो है हमें इतना ही शो कर रहा है, बट अदर मॉडल आपके पास है तो और भी मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे चलते हैं कोई न्यू मॉडल में कर लेते हैं, तो A13 का जैसे कि कर लेते हैं, देखिए तो इसका भी फाइल हमें मिल जाएगा। देख लीजिए दोस्तों बहुत सारा फाइल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, कोई पे नहीं करना होता है। बहुत सारा फाइल जो भी बैंडे का फाइल होता है यहाँ पे हमें मिल जाता है, और हम जो भी फाइल ज्यादातर डाउनलोड करते हैं दोस्तों अपने सैमसंग फोन को फ्लैशिंग के लिए, तो हम ज्यादातर इसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जैसा कि हम चलिए फिलहाल डाउनलोड करने का भी तरीका आप लोगों के साथ हम शेयर कर दें। और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको ओडिन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आसानी से ऊपर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जो है सैमसंग FRP के लिए बहुत सारा फ्री टूल भी हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें एक तरीका जैसे कि बता रहा हूँ, तो इससे पहले हमें जो है DS1ATF3 का जो है फाइल हमें नहीं मिल रहा था, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाउनलोड किए थे, तो इसको डाउनलोड करने का तरीका भी दोस्तों बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों हमें नीचे जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 4 ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि डाउनलोड ऑन ब्राउजर, या डाउनलोड SMFW सर्वर करके है, या फिर डाउनलोड सर्वर AFH करके है। तो जैसा कि हम इससे पहले यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अनलिमिटेड करके भी कुछ है, तो रिपोर्ट डेड लिंक और डाउनलोड एरर का पता ना क्या है मुझे नहीं पता। तो डाउनलोड ऑन ब्राउजर पे हम क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि डाउनलोड
ऑन ब्राउजर पे हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करवाएगा, थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और एक चीज देखे हैं यहाँ से जो है दोस्तों, मेरा फाइल जो है वो बिल्कुल ही फास्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना फास्ट डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ नेट जो है दोस्तों इतना MB देख सकते हैं, यहाँ 5 MB 6 MB यानी बहुत, देखिए 10 MB के मतलब क्या बहुत फास्ट, सॉरी 10 MB नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पीड मेरा है वो ये दे रहा है और जो फाइल डाउनलोड हुआ है ये मिल रहा है। तो यहाँ से जो है दोस्तों बिल्कुल आसानी से जो है आपका फाइल भी डाउनलोड हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिलहाल इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने का रीजन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल पड़ा हुआ है तो इसको डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है। सो दोस्तों इस वेबसाइट से आपको यही फायदा मिलेगा कि जो भी आपका बाइनरी है, जो भी बाइनरी है, चाहे U1 हो, U2 हो, U3 हो, U4 हो या अदरवेज जो भी बाइनरी होता है, उस बाइनरी का फाइल जो है आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ क्या है दोस्तों, वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पे करना है, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो इधर उधर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और इस बीच में क्या होता है पता है, अब कोई अल्टर फाइल, जो फाइल उस फोन का है ही नहीं, उस फाइल से हम फ्लैशिंग कर देते हैं और फोन मेरा एरर हो जाता है। तत्काल UMTI के अंदर में ऐसा ऑप्शन है, फिक्स हो जाता है, जहाँ पे होता है वहीं पे फिर से आ जाता है फोन, बट परेशानी तो होता है मुझे। बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जिनको मालूम नहीं होता है तो उनको भी परेशानी होता है। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने फोन का जो है बैंड्री क्या है ये जानना है, और उसी बैंड्री का सेम फाइल जो है जा करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है आज का जो वीडियो था बस यही था। बाकी एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहूंगा, बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो जिनको ये भी नहीं पता है कि बाइनरी क्या होता है, या फिर हम बाइनरी कैसे जाने कि ये फोन जो है किस बाइनरी का है और हम कौन सा फाइल डाउनलोड करें। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर मैं एक वीडियो कंप्लीट लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मान लीजिए किस तरह से हम सैमसंग फोन का जो है बाइनरी चेक करते हैं और फिर उसका फाइल सेम हम डाउनलोड करते हैं और उसके बाद हमें परेशानी नहीं होता है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ भी कमेंट जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, कुछ समझ में आता है या कुछ उससे आप लोगों का हेल्प हो पाता है तो नीचे कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। सो दोस्तों आज का जो वीडियो था बस यही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। बाकी यदि ये मेरा वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, रोहित मोबाइल के नाम से ही है। बाकी वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर के कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए गुड नाइट, क्योंकि नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि बहुत बार ये होता है कि जो ये मेरा शो कर रहा है इतना में जो है मेरा बाइनरी जो होता है वो नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ऑप्शन है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो इस तरह से जो है इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारा फाइल मिल जाएगा।